हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप बेनीवाल, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th के सेकंड लेसन के बारे में, जिसका नाम था मौसम एवं जलवायु। अपने इसके तीन पार्ट बना चुके हैं वीडियो और यह है चौथा पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को, जिसमें अपने मौसम और जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौसम एवं जलवायु सेकंड लेसन है, कक्षा 11th के एग्रीकल्चर का सेकंड लेसन। सबसे पहले उपकरण, तो कौन कौन से उपकरण हैं उनके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है तापमापी। तापमापी या थर्मामीटर, देखो तापमापी या थर्मामीटर, तो आपको पता है जैसे डॉक्टर आता है, बुखार होता है तो क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है, उससे अपना बुखार चेक करता है कि बच्चे को कितना बुखार है, ठीक है। तो इसी प्रकार थर्मामीटर के द्वारा तापमान ही ज्ञात किया जाता है कि तापमान कितना है, ठीक है। तापमान को ज्ञात करने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब ये तापमापी है, चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, अधिकतम तापमापी, दूसरा न्यूनतम तापमापी। देखिए पहले इन दो को समझते हैं। अधिकतम तापमापी में क्या होता है कि 24 घंटे में जो अधिक तापमान रहा था, कितना अधिकतम तापमान कितना था उसका अवलोकन करवाता है, उसे बताता है। तो मतलब 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान, जो तापमान सर्वाधिक होता है उसको बताता है, सर्वाधिक तापमान को बताता है। अब जो यह अधिकतम तापमापी होता है उसमें क्या भरा रहता है, जब अपने को गुस्सा आता है तो अपने क्या बोलते हैं कि पारा चढ़ गया, तो इसमें क्या भरा रहता है, पारा, इसमें पारा भरा रहता है। जब तापमान बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, पारा ऊपर की ओर चला जाता है। पारा क्या हो जाता है, एक कांच की नली में पारा भरा रहता है, वो पारा ऊपर की ओर जाता है, पारा ऊपर की ओर जाता है। और जब तापमान कम होता है तो ये पारा नीचे नहीं आ जाता, क्योंकि इसमें संपीड़न होता है। तो तापमान घटने के कारण जो पारा नीचे नहीं आ पाता है, तो पारा अधिकतम जितना चढ़ जाता है उतना चढ़ जाता है, उसके बाद नीचे नहीं आता। तो यहाँ पे पारा होता है, तो अपने रीडिंग ले लेते हैं कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। इस तापमापी पे -35 से लेके +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिखा होता है, ठीक है। तो न्यूनतम तापमान इसमें 35 डिग्री माइनस के और अधिकतम अपने प्लस के 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं न्यूनतम तापमापी। अब जिसने अल्कोहल पी ली, अल्कोहल दारू पी ली, वो क्या होता है कि ठंडा होता है, ठंडा होता है, न्यून होता है, बिल्कुल चिल होता है, वो चिल्ड बियर होती है ना, उसी प्रकार से क्या होता है, चिल्ड होता है। अब ये दिन का 24 घंटे का न्यूनतम तापमान क्या बताएगा, न्यूनतम तापमान बताएगा। इसमें क्या होता है, ये अल्कोहल भरा रहता है और इसी प्रकार अल्कोहल नीचे चला जाता है, अल्कोहल का स्तर जैसे जैसे तापमान घटता है वैसे वैसे अल्कोहल का स्तर घटता जाता है और वापस नहीं बढ़ता है। अब इसकी जो रीडिंग है वो कभी भी 24 घंटे में अपने कभी भी ले सकते हैं। और इसको जो सेट किया जाता है सुबह के समय, इसको सुबह के समय सेट किया जाता है, मतलब वापस जीरो इसको सुबह के टाइम में किया जाता है। और इसकी जो रीडिंग होती है अपने को सुबह लेनी होती है, सुबह या दोपहर में लेते हैं, इसकी रीडिंग लेते हैं दोपहर में, और शाम के समय इसको क्या करते हैं, वापस शून्य कर देते हैं। अब देखते हैं कि अल्कोहल भरा रहता है और इस पर पारा भरा रहता है। अब तीसरा और चौथा अपने देखते हैं कि कौन कौन सा होता है,
सी शुष्क और आर्द्र, ब्लब और आर्द्र, चौथा आर्द्र, शुष्क और आर्द्र ब्लब तापमान पे। अब ये क्या करते हैं, दिन में दोनों तापमापियों का काम होता है कि दिन में करंट जो उसी समय का जो तापमान है उसको ये बताते हैं कि उस समय प्रेजेंट समय का तापमान कितना है, उसकी मात्रा ये शुष्क और आर्द्र। आर्द्र वाले में क्या होती है कि वहाँ पे एक कॉटन की इस प्रकार की नली बत्ती टाइप बन के अपने क्या करते हैं, एक भगोने में पानी डाला होता है और उसमें डुबो देते हैं, उससे आर्द्रता का भी मापन होता है कि आर्द्रता कितनी है, और शुष्क वाले में उसमें ये सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, अब अपने दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। पहला आपने देखा है तापमापी, तापमान मापने के लिए। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट अपने चेक करते हैं कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। दूसरा है वर्षा मापी या रेन गेज। रेन गेज चलो बाद में पढ़ेंगे, अब इन इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, उसका नाम है स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन, अब स्टीवेंसन स्क्रीन में अपने क्या करते हैं, ताप मापियों को रखा जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होता है कि लकड़ी का एक इस प्रकार का बॉक्स बना होता है, इस प्रकार उसका हैंडल लगा, कल्ला लगा होता है, उसको अपने खोलते हैं और इसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है, और इस प्रकार से इसको चार पिलरों पर लगाया जाता है। बॉक्स लकड़ी का बना होता है और जो ये पिलर होते हैं वो किसके होते हैं, पिलर होते हैं वो होते हैं लोहे के बने होते हैं, और इसको एक निश्चित ऊंचाई पर, धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर लगाया जाता है। इसका मुंह सदैव उत्तर दिशा में होता है और यह सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग की इसमें पुताई की जाती है और इसमें थर्मामीटर लगाए जाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसमें थर्मामीटर सेट किए जाते हैं और इस बॉक्स को वापस बंद कर दिया जाता है थर्मामीटर सेट करने के बाद में। यह होता है डियर स्टूडेंट स्टीवेंसन स्क्रीन। उसके बाद में अपने स्टीवेंसन स्क्रीन के बाद में देखते हैं वर्षा मापी, थर्ड। वर्षा मापी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सामान्य, सामान्य वर्षा मापी या साधारण, साधारण लिखते हैं, साधारण वर्षा मापी, और एक होता है स्वचालित, स्वचालित वर्षा मापी। अब साधारण वर्षा मापी में क्या होता है कि वह इस प्रकार, उसमें क्या होता है कि एक बोतल लेते हैं या एक कोई बर्तन लेते हैं, उसको क्या है कि ऊपरी भाग उसका काट के इस प्रकार से उसमें कीप बना के ऐसे रख देते हैं, कीप को क्या होता है उल्टा इसमें रख देते हैं। जैसे ही वर्षा का जल यहाँ गिरेगा कीप में, और वो धीरे धीरे क्या होगा, कीप की सहायता से यहाँ अपने इसके अंदर आ जाएगा, कीप की सहायता से जो अपना पात्र है इसके अंदर आ जाएगा। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं अपने कि इसमें कितने एमएम पानी भरा है और कीप का क्षेत्रफल कितना है, कीप कितना आकार घेर रही है, इन दोनों का औसत होता है, वो वर्षा होती है, उस टाइम की वर्षा होती है कि एक नियत टाइम है जो अपने रखा था ये इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में और अब तक ले कितनी वर्षा हुई है, जब वर्षा स्टार्ट होती है उसी टाइम इसको रख देते हैं और वो टाइम क्या ले जाता है, नोट कर ले जाता है। अब एक होती है स्वचालित, स्वचालित में क्या होता है, उसमें एक मशीन लगी होती है और वह रीडिंग धीरे धीरे, समय का रीडिंग और कितनी तेजी से हो रही है, कितनी बार हुई, कब स्टार्ट हुई, कितनी मात्रा में हो रही है, वो सारी रीडिंग है एक पेज के ऊपर ग्राफ के रूप में चलती रहती है। यह स्वचालित वर्षा मापी का काम है, इसको बोलते हैं वर्षा मापी को रेन गेज, रेन गेज हिंदी में लिख लो आपको इजी रहेगा पढ़ने में, रेन गेज। उसके बाद में तीन की बात कर ली, चौथा है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर।
अब ये क्या बताएगा, एनीमोमीटर वायु की गति बताएगा, वायु की गति, ठीक है। अब पांच नंबर होता है विंड वेन, ये विंड वेन वायु की दिशा, ठीक है। उसके बाद सिक्स नंबर आता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या होता है कि वायुमंडल में आर्द्रता, मैंने क्या बोला था, नमी या आर्द्रता कौन बताता है, हाइग्रोमीटर। और एक इसी के समान होता है, आपके सिलेबस में नहीं है परंतु आपके आगे एग्जाम में तैयारी के लिए काम आएगा जेट के लिए, हाइड्रो, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, जल का अपेक्षित घनत्व, जल का अपेक्षित घनत्व, जल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए काम आता है। और जल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं तो दूध का भी अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर काम आता है, कौन काम आता है, लैक्टोमीटर काम आता है। अब बताते हैं एनीमोमीटर किस प्रकार से होता है। अब एनीमोमीटर वायु की गति बताएगा, स्पीड बताएगा। तो क्या होता है कि इस प्रकार से एक लगा होता है और उसमें यहां पे बेरिंग होता है और उसमें इस प्रकार से क्या होती है, चार कोलियां बंधी होती है, यहां पे क्या होगी बेटा, कोलियां होगी, यहां पे इस प्रकार से कोलियां बंधी होगी। और जैसे ही यह हवा चलेगी तो ये कोलियां क्या आएगी, घूमेंगी, कोलियां घूमेंगी, जैसे पहिया घूमता है ना गाड़ी का, और गाड़ी में मीटर चलता रहता है कि 60 की स्पीड चल रही है, 1 किलोमीटर पार कर लिया, 2 किलोमीटर पार कर लिया, इसी प्रकार से ये कोलियां जितनी स्पीड से घूमेंगी, इसमें चेन लगी रहती है और नीचे मीटर लगा रहता है, उस मीटर में रीडिंग आ रही होती है कि प्रति घंटे की रफ्तार से कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। अब क्या होता है कि इसी प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट और होता है, उस पर क्या होता है, एक तीर लगा देते हैं, एक क्या लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं, और उस पे क्या होता है कि एक आगे ऐसे तीर का निशान होता है, जो तीर का मुंह होता है, जैसे इधर से जब हवा आ रही होगी, इधर से जब हवा आ रही होगी तो तीर का मुंह जिधर हवा जाएगी उस तरफ होगा और तीर का पूंछ जिस तरफ से हवा आएगी उस तरफ होगा। तो ये क्या है, इससे अपने वायु की दिशा के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ये अपने इंस्ट्रूमेंट है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अपने उनकी चर्चा करते हैं। जैसे बेरोमीटर, बेरोमीटर, बेरोमीटर वायु का दाब ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, वायु के दाब की गणना करने के लिए बेरोमीटर को काम में लिया जाता है। उसके बाद में अपने देखते हैं जेलीमीटर, टेनमर, चलो ये हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे जेलीमीटर वगैरह, टेंड्रोमीटर, टेंड्रो, टेंड्रोमीटर, ये होता है मटर की परिपक्वता, मटर की परिपक्वता, मतलब मटर परिपक्व होगी क्या, मैच्योर होगी क्या, इसके लिए काम में लेते हैं। ये हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे, बाकी इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपने चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, डिटेल से देखने के लिए उस वीडियो को देखिए आप। बाकी आपके 11th के सिलेबस में इतने इंस्ट्रूमेंट हैं जो मौसम एवं जलवायु में काम में लिए जाते हैं। आपको वीडियो यदि अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपका कोई डाउट्स है, आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेसन 3rd मर्दा के बारे में चर्चा करते हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।